कैसे हैं आप सर? आज मैं आपको एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ, जो कि है विंडोज एक्सपी में आप नेट कैसे चला सकते हैं। मैंने दो वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे रखे हुए हैं, उसमें बहुत सारी कमेंट्स आ रही है, लोगों को दिक्कत आ रही है, वो कर नहीं पा रहे, किसी का डाउनलोड हो रहा है, किसी का इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, किसी के यूएसबी में प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके रिलेटेड आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास विंडोज एक्सपी वाला कंप्यूटर है नहीं, जो कि पहले था अब वो नहीं है। तो मेरे पास विंडोज 10 है, पर मैं आपको कोशिश करूँगा अच्छे से समझा पाऊँ, एक्सप्लेन करके कि आप अपने विंडोज एक्सपी में कैसे चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको एक वेबसाइट दिखती होगी, जो कि आपको मोबाइल में पहले इसको ओपन करना है, क्योंकि आपके एक्सपी में विंडोज एक्सपी में आपका जो भी कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसके अंदर नेट तो होगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यही सवाल मैं आपको पूछा था, ठीक है? तो इसको आपको अपने मोबाइल के अंदर खोलना है, इस वेबसाइट को भी मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल के अंदर कैसे जाना है, खोलना है वेबसाइट को और डाउनलोड कैसे करना है। तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए दोस्तों आगे बढ़ाता हूँ वीडियो को, और आपको दिखाता हूँ मोबाइल आपको पहले कैसे डाउनलोड करना है, फिर कैसे इसको इंस्टॉल करना है अपने अकाउंट में। दोस्तों आपको इस वीडियो का ना पूरा देखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें दिखाया है कि आप अपने पीसी में और मोबाइल में आप कैसे ये सॉफ्टवेयर और ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इसको नेट चला सकते हैं अपने विंडोज एक्स में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखो। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ जाके आपको पहले मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है पेडानेट प्लस, ठीक है? उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि एप्लीकेशन ये है, आप देख सकते हो उसका लोगो कैसा है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड और इंस्टॉल कर देना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको ये इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको जो मैंने लिंक कंप्यूटर वाला दिया हुआ है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और वहाँ जाके आप क्लिक करना है उस पर, तो आपको सीधा वो कोई भी अपना जो भी मोबाइल का ब्राउज़र है, और आप बेस्ट ब्राउज़र यूज़ करो तो क्रोम यूज़ करना, तो क्रोम में ये आसानी से खुल जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको ले चलता हूँ क्रोम में। तो जैसे ही अपन ब्राउज़र में आए, क्रोम ब्राउज़र में आए अपन, ठीक है, ये वेबसाइट आपकी खुल गई, ठीक है? यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ये 3 डॉट्स ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पे दिख रहे हैं, वहाँ पे जाके आपको इसको डेस्कटॉप साइड कर देना है, ठीक है? तो इसकी डेस्कटॉप साइड में करोगे आप तो आसानी से आपका जो वो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है? तो आप देख सकते हैं अपन आ गए ये वेबसाइट में। अब आप देखें राइट साइड में यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन दिया हुआ है, 3 स्टार जो है उसके ऊपर डाउनलोड ऑप्शन, डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? ये ऐड आई, इसको क्लोज कर लेंगे और ये डाउनलोडिंग प्रोसेस शुरू होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ यहाँ पे लिंक है, जो कि ये है, ये वाला है फ्री डाउनलोड पेडानेट फॉर विंडोज़ एक्सपी। विंडोज़ एक्सपी मतलब कोई भी आपका कोई भी सर्विस पैक हो या कुछ भी हो, विंडोज़ एक्सपी हो, उसमें ये वर्क करेगी ट्रिक, ठीक है? तो यहाँ से डाउनलोड हो रही है, तो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है? और ये डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप कैसे करेंगे, जो आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया उसको आपको मोबाइल में ओपन नहीं करना है, ये मोबाइल में ओपन होगा भी,
तो आपको USB लेना है और USB से अपने फ़ोन से ये सॉफ्टवेयर को अपने PC के अंदर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद आपको इसको सेटअप करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप इसको सेटअप कैसे करते हैं। एक बार ये डाउनलोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल से इस फाइल को ट्रांसफ़र कर लिया अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अब आपको इसको रन करवाना है, जो भी आपने ये फाइल जहाँ पर भी सेव की है वहाँ जाके आपको इसको डबल क्लिक करके इसको रन करवाना है, ठीक है। रन करवाना है और जो भी आपकी स्क्रीन पे जो भी ऑप्शन आएगा उसको अलाउ करना है या फिर येस करना है, ठीक है। तो मैं अभी येस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, पर मैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट पे आप देखना वो कैसा आपके सामने डिस्प्ले आएगा, ठीक है। आपको क्या क्या करना है वो मैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। जो सेटअप प्रोग्राम आप जो रन करवा रहे हो पेडानेट का जो अपने PC के अंदर, तो वो कुछ इस तरीके की विंडो खुलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलिंग USB ड्राइवर्स और सेटिंग अप मॉडर्न ड्राइवर्स यूँ करके आएगा, ठीक है। ये इसको आपको इंस्टॉल कर देना शुरू कर देना है इसको, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देगा जो भी ड्राइवर्स आपको USB ड्राइवर्स जो आपके XP में चाहिए वो, ठीक है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिर आप सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा इंस्टॉलिंग सक्सेस। और आप नीचे की साइड आप देख सकते हैं जहाँ पे टाइम वगैरह दिखाता है वहाँ पे यहाँ पे पेडानेट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, इंटरनेट का। और नीचे राइट हैंड साइड पे नीचे आप देख सकते हैं फिनिश का ऑप्शन है, आपको डायरेक्ट फिनिश कर देना है इसको, ठीक है। फिनिश हो जाने के बाद अब आपको एंड्रॉयड में जो आप मैंने आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाई थी उसको आपको ओपन करना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसको ओपन करके। अब दोस्तों आपको है ना ये ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके डेटा केबल से या USB केबल से आपको अपने फ़ोन और PC को USB थ्रू कनेक्ट कर लेना है। आप एक बात का ध्यान रखना, आपका USB अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, USB ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से वो नेट कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बार बार डिसकनेक्ट हो रहा है, फिर वापस वो हो रहा है, फिर इसलिए आपको सबसे पहले अपना USB अच्छा सा ले लेना है। और दिक्कत आएगी कभी तो आपको USB चेंज करके भी आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो आपको ये USB से कनेक्ट कर देना है अपने PC को। फिर उसके बाद आपको जो ये फर्स्ट वाले दो ऑप्शन दिख रहे हैं USB थिएटर और Wi-Fi डायरेक्ट हॉटस्पॉट, इसको आपको ऑन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को परमिशन मांग रहा है तो मैं इसको परमिशन अलाउ कर लेता हूँ। सर डेवलपर ऑप्शन ऑन करने को बोल रहे हैं तो मैं इसको डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ। आपको नहीं आता तो मैं आपको दिखा देता हूँ डेवलपर ऑप्शन आप कैसे ऑन कर सकते हैं। आपको अपने फ़ोन के अंदर चला जाना है, अपने फ़ोन की सेटिंग के अंदर जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट फ़ोन पे चला जाना है। अबाउट फ़ोन पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्जन नंबर कोई भी आपको लिखा हुआ होगा नीचे। मेरे MI को फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मुझे ये दिखा रहा है, तो जो वर्ज़न है उस पर आपको 7 बार क्लिक करना है, ठीक है, 7 से 8 बार क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर लिया है, अब मेरा डेवलप ऑप्शन ऑन हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। एडिशनल सेटिंग्स में गया हूँ, अब इसके बाद आप देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन ऑन है, ठीक है। अब यहाँ से जाके आपको USB डीबगिंग जो ऑप्शन दिखा रहा है उसको आपको ऑन कर देना है। ये आपको एक्सेप्ट करने का बोलेगा, एक्सेप्ट कर लेना है और USB डीबगिंग जो भी है वो ऑन कर देना है। सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन को यहाँ से ये जो फर्स्ट वाला है ना उसको ऑन करना है, फिर उसके बाद आपको USB डीबगिंग ऑन करना है, ठीक है। ये होने के बाद आपको वापस से अपने जो मोबाइल में ऐप इंस्टॉल की है उस पर आना है, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप फर्स्ट ऑप्शन USB थिएटरिंग उसको ऑन करना है, ठीक है। ये देखो आप देख रहे हैं वेरीफाइड हो चुका है। ऑन कंप्यूटर यूज पेडानेट ऐप टू कनेक्ट विंडोज क्लिक पेडानेट ट्राई आइकॉन मैं क्लिक पेडानेट आइकॉन इंस्टॉल, ठीक है, ये सब किया होगा। फिर उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन भी ऑन करना है, Wi-Fi डायरेक्ट हॉटस्पॉट, ठीक है, इसको भी आपको ओपन करना है।
ये आपका सेकंड ऑप्शन है जो तब ऑन होगा जब आप पहला वाला उसको बंद करोगे, फिर जाके ये दूसरा वाला ऑप्शन ऑन होगा, ठीक है। तो इसको सेकंड वाला ऑप्शन को ऑन नहीं करना है, पहले वाले यूएसबी थिएटरिंग को ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आपको अपने पीसी में चेक करना पड़ेगा कि नेट आया कि नहीं। वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको आपके जहाँ पे नीचे टाइम वगैरह जो डेट वगैरह दिखाता है वहाँ पे आपको पेडानेट का जो भी आपने सॉफ्टवेयर का भी डाला है उस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ऊपर देख सकते हैं सेटिंग ऑप्शन खुला, कनेक्ट के नीचे सेटिंग पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको शो नेटवर्क आइकन व्हेन कनेक्टेड उस पर क्लिक कर लेना है और यूज़ गूगल DNS उस पर भी आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सबसे पहला इतना करने के बाद आपके कंप्यूटर के अंदर नेट शुरू हो जाएगा रन करना और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके मोबाइल में नेट ऑन होना चाहिए, ठीक है, तो ही ये काम करेगा। इतना करने के बाद आप अपना जो भी काम है वो इंटरनेट चला सकते हैं और जो भी ब्राउज करना चाहते हो कर सकते हैं बिंदास। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको आसानी से समझाया है, कोशिश की है मैंने आपको समझ में आए, और तो भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आंसर मिल जाएगा, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। और मेरी टेलीग्राम ग्रुप की जो अपने चैनल की लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे भी मुझे इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यही थी मेरी वीडियो कि आप विंडोज़ XP में नेट कैसे चला सकते हैं।